दोस्तों फाइनली ब्रॉक लेसनर हील यानी कि विलेन के अवतार में अपना रिटर्न करने वाले हैं। हाल ही में बीस्ट इनकार्नेट की ये फोटो वायरल हुई जिसमें उनका पुराना रूप देखने को मिल रहा है। ब्रॉक ने उनकी दाढ़ी मूछें सब उड़वा दी। तो आइए जानते हैं तीन ऐसी चीजों के बारे में जो हील ब्रॉक लेसनर को अपने रिटर्न के बाद जरूर करनी चाहिए। नंबर 3, विनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने अब तक अपने करियर में कोई भी मिड कार्ड टाइटल नहीं जीता और रिटर्न के बाद उनका सामना क्राउन जूल में बॉबी लैशली से होगा। बहुत ज्यादा चांस है कि इस मैच में लैशली की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दांव पर लगेगी और इस बार बीस्ट ब्रॉक लेसनर लैशली को हार का स्वाद चखाकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतेंगे। इसके तगड़े चांस हैं, पर क्या आप बीस्ट इनकार्नेट को यूएस चैंपियन बनते हुए देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, मैच विद गुंथर। दोस्तों रिंग जनरल गुंथर स्मैकडाउन में आने के बाद से ही अनडिफीटेड रहे, उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया। गुंथर ने नचनिया नागामुरा की ठुकाई कर करके उसका नागिन डांस भी बंद करा दिया। गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा ड्रीम मैच है जिसे बहुत से फैंस देखना चाहते हैं। ऐसे में हील ब्रॉक लेसनर को गुंथर के साथ मैच लड़कर उनकी तबीयत से धुलाई करनी चाहिए जिससे नाकामुरा आराम से नागिन डांस कर सके। नंबर 1, रिवेंज फ्रॉम रोमन रेंज एंड द ब्लड लाइन और मैच विद सोलो सिकोवा। दोस्तों SummerSlam 2022 में हुए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के दौरान काउबॉय ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज और ब्लड लाइन ने मिलकर हैवानों की तरह मारा, जिस वजह से काउबॉय को हार माननी पड़ी। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर को अपने बीस्ट मोड में रिटर्न करके ट्राइबल चीफ और ब्लड लाइन को बताना चाहिए कि असली डेविल किंग कौन है। वहीं लेसनर को सोलो सिकोवा के खिलाफ भी एक मैच जरूर लड़ना चाहिए। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।